बसपा प्रमुख मायावती ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, विपक्ष ने राष्ट्रपति प्रत्याशी चुनने के लिए हुई बैठक में बसपा को अलग रखा। शरद पवार ने बैठक में बसपा के लीडर को नहीं बुलाया। राष्ट्रपति प्रत्याशी चुनने के दौरान विपक्ष का षड्यंत्र दिखा है। उन्होंने कहा, विपक्ष ने राष्ट्रपति प्रत्याशी चुनने के लिए हुई बैठक में बसपा को अलग रखा। शरद पवार ने बैठक में बसपा के लीडर को नहीं बुलाया। राष्ट्रपति प्रत्याशी चुनने के दौरान विपक्ष का षड्यंत्र दिखा है। हम एनडीए को नहीं, एक आदिवासी के समर्थन में मतदान करेंगे। पक्ष विपक्ष दोनों ही पॉलिटिकल एकता का बस दिखावा करते हैं। मायावती बोली, बसपा को अलग थलग रखने की वजह बाकी दलों का जातिवाद रवैया है। विपक्षी एकता का प्रयास गंभीर नहीं है, यह दिखावा है। भाजपा भी विपक्ष की बात करने का दिखावा करती है। बसपा को बीजेपी की बी टीम बताकर झूठा आरोप लगाकर बाकी दलों ने बर्बाद किया है। इससे यूपी में सपा तो हारी ही, बसपा का भी काफी नुकसान हुआ। बसपा जुमलेबाजी नहीं काम करती है। बसपा पिछलग्गू पार्टी नहीं है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमने निडर होने का नुकसान भी उठाया है। हमारी पार्टी का संकल्प दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। देश हित की सोच है जिसे जमीन पर उतारना है। गरीबों और मजलूमों को मुख्य धारा में लाना है। गरीबों के हित में जो भी फैसला होगा उसे जरूर लिया जाएगा। हमारी पार्टी जुमलेबाजी नहीं करती है, काम करती है। उन्होंने कहा, बसपा के नेतृत्व को बदनाम करने के लिए विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी ये रत्ती भर भी नहीं चाहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सोच देश पर लागू हो। हम बिना डरे फैसले लेते हैं। यूपी के बसपा के चार बार के शासन काल में देश ने ये देखा है कि आर्थिक विकास लाया गया था। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।